हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा मैंने कुछ दिन पहले ओप्पो रियलमी वन का एक अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था मैं बहुत ही जल्द इस फोन के हेलियो P60 प्रोसेसर पे गेमिंग करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह का परफॉर्म करता है ये गेमिंग में। तो बेसिकली मैं इस Realme One का गेमिंग रिव्यू वीडियो के बारे में बोल रहा था, तो ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो में मैं इस फोन में एंड्रॉइड के सबसे हाई ग्राफिक्स गेम, सबसे हाई इंटेंस गेम्स को प्ले करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं हूं साइफर आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ट्यूब टेक। तो चलिए देखते हैं ये Realme One कितने अच्छी तरीके से इन हाई ग्राफिक्स गेम्स को रन कर पाता है। तो सबसे पहले हम PUBG को प्ले करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने PUBG मोबाइल को डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर, और इसका ग्राफिक्स सेटिंग आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर SD पर रखा है। इस फोन में इसके ऊपर नहीं जाता है, और जो फ्रेम रेट है मैंने मीडियम पर रखा है, आप चाहे तो हाई पे भी सेट कर सकते हो। और उसके बाद जो स्टाइल है मैंने कलरफुल पे कर दिया है, क्योंकि कलरफुल में बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। तो अभी तक तो सभी चीजें बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कलर वगैरह टेक्सचर वगैरह बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो मैं इस गेम को थोड़ी देर खेल लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कितना अच्छा ये रन कर पाया इस गेम को, कितना ज्यादा फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को मिला। तो आप गेम प्ले को एंजॉय करिए, थोड़ी देर खेलने के बाद आपको बताता हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट PUBG मोबाइल को 15 मिनट्स तक खेल चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो हीटिंग इशू है मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी हीटिंग नहीं आया है 15 मिनट्स के बाद। इसका अपर जो पार्ट है, डिस्प्ले पार्ट, वहाँ पर बिल्कुल भी हीटिंग नहीं है। सिर्फ इसका जो बैक पार्ट है जहाँ पर रियलमी लिखा हुआ है, वहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा हीट महसूस हुआ है। और बात करें अगर गेम प्ले की, तो गेम प्ले बहुत ही स्मूथ था। ओवरऑल गेम प्ले मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसका एवरेज FPS 30 के ऊपर था, और कभी कभी तो 60 पर भी चला जाता है। आप जब खेलेंगे आपको महसूस होगा। और मैं आपको बता दूँ, जब मैंने कार को चलाया था, मैंने को एक दो फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है। शायद से गेम की वजह से भी हो सकता है या प्रोसेसर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन ओवरऑल गेम मुझे बहुत ही स्मूथ लगा है। तो चलिए और 15 मिनट्स तक गेम को खेल लेते हैं। गेम को पूरा होने के बाद मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो आप गेम प्ले को एंजॉय करिए। Dreaming. I'm dreaming. I'm dreaming.
तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम भी कंप्लीट हो चुका है और हमने चिकन डिनर भी कर लिया है जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं बता दूं पूरा 36 मिनट्स तक मैंने इस गेम को खेला हूँ। और अगर बात करूँ हीटिंग की तो मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हीट अब महसूस होने लगा है। लेकिन बात करूँ मेरे रेगुलर फोन जिसमें मैं पबजी खेलता हूँ, वो है रेडमी नोट 4। हाँ जी दोस्तों, मैं रेडमी नोट 4 पर पबजी खेलता हूँ जिसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 625। लेकिन उसका जो हीटिंग है एमआई का, उससे थोड़ा सा कम मुझे यहाँ पर हीटिंग लगा है। बेसिकली जहाँ पर रियलमी का लोगो है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हीट हुआ है, लेकिन ओवरऑल हीटिंग की बात करें तो यहाँ पर एवरेज है, ना बहुत ही ज्यादा है ना बहुत ही कम है, ठीक ठाक ही है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा इसका प्राइस के हिसाब से। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की जो कि है एसफर 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एसफर 9 को डाउनलोड कर लिया है सक्सेसफुली। मैं इसको पैचअप भी करा लिया हूँ लकी पैचर से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम टोटली रेडी है। यहाँ पर सिर्फ ओके प्रेस करने पर गेम प्ले हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात यहाँ पर नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये गेम इस फोन पर नहीं चल रहा है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्रेस वीपीएन को भी डाउनलोड कर लिया है और जो हमारा वीपीएन सर्वर है उसको मैंने फिलीपींस पे कनेक्ट कर दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सब कुछ करने का मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गेम यहाँ पर नहीं चल रहा है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा आ रहा है आपका गेम सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, ओके प्रेस करिए और गेम को खेलिए। तो जब भी मैं ओके बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर गेम बिल्कुल क्रैश हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गेम लॉक का एक लोगो आता है, उसके बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और हमारा होम स्क्रीन पर आ जाता है। नॉर्मली कोई गेम जब क्रैश होता है एंड्रॉइड फोन पर तो इस तरह का आपको सिम्टोम देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पर जो एसफर 9 है वो बार बार क्रैश हो जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दो गेम प्ले करके दिखाऊंगा, एसफर 9 और पबजी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एसफर 9 प्ले करके नहीं दिखा पाया। लेकिन मेरा जो दोस्त है वो रियलमी 1 को खरीदा है और मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो देखा है, वो लोग इस फोन पर एसफर 9 को ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं और बहुत ही स्मूथली चलता है। लेकिन वो जो वीडियो है वो एक मंथ दो मंथ पुराना है। शायद से ऐसा भी हो सकता है जो वीपीएन वाला मेथड है उसको ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये जो गेम है हमारा कंट्री पे लॉन्च नहीं हुआ है या बाहर के कंट्री पे लॉन्च हुआ है तो हमारे यहाँ पर वीपीएन से खेलना पड़ता है। लेकिन आप अगर मानिए नॉर्मल गेम जैसा कि एसफॉल्ट 8 हो गया और जितने भी गेम्स है आपके प्ले स्टोर पर, सभी गेम को बहुत ही आसानी से रन करा देगा। आपका पबजी अगर रन करा सकते हैं एचडी सेटिंग पर तो कोई भी गेम ये मोबाइल रन करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ओवरऑल इसके गेमिंग रिव्यू के बारे में बात करूं तो मुझे यह फोन काफी पसंद आया है। आपको 9000 रुपए में बहुत ही अच्छा गेमिंग फोन मिल जाता है। आप अगर सिर्फ गेमिंग फोन परचेस करना चाहते हो और आपका बजट बहुत ही टाइट है तो इस फोन को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सिर्फ एक गेमिंग फोन ही नहीं, इसमें आपको और भी बहुत सी चीजें देखने को मिलता है, जैसा कि इसका कैमरा हो गया, इसका लुक हो गया, इसका डिस्प्ले हो गया, बहुत ही शानदार है। आप अगर इसका फुल रिव्यू और मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आई बटन पे और मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। तो ये था इसका गेमिंग रिव्यू, आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप ये मानकर चलिए आपके जितने भी लेटेस्ट गेम होगा आपके प्ले स्टोर पर रिलीज होगा उस सभी गेम को ये फोन बहुत ही आसानी से रन कर पाएगा। और एक बात, वीडियो लेट अपलोड करने के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा, आई एम रियली रियली सॉरी। मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं क्या करूं, मेरा सामने भी एग्जाम्स है तो एग्जाम के दौरान वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकता है, मतलब 4 से 5 दिन लग सकता है। लेकिन आप लोग मैनेज कर लो, 15 तारीख के बाद से वीडियो लेट नहीं होगा, उसके बाद से वीडियो रेगुलर शेड्यूल पे अपलोड होगा। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो या नहीं, और वीडियो को देखकर कैसा लगा ये भी कमेंट कर देना। और हमारा जो शेयर बटन है वीडियो के नीचे उसको भी शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको फ्रेंड्स को भी पता चले इसके गेमिंग रिव्यू के बारे में। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है, जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए। और सब्सक्राइब के राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप देख पाए सबसे पहले। और वीडियो के आखिर में इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।